एनओएस में 12th क्लास में एडमिशन के नाम पे 10,000 रुपए की मांग कहेगी। जब मुझे पता चला मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया। चलिए हम इस चैट को देख लेते हैं। ये कर्नाटक का चैट है। कर्नाटक से मेरे पास जो है मैसेज आया था एक स्टूडेंट्स का, और उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दी, और जब मैंने सुना मैं परेशान हो गया। चलिए इस हम चैट को पढ़ते हैं। ये हमारी व्हाट्सएप की चैट है। ये जो मेरे पास मैसेज आया था, ये आया था 5 नवंबर को, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है इन्होंने, इनको जो मेरा नंबर है ये यूट्यूब से इन्होंने लिया था। इसके बाद जो है मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली। जो मैं 10,000 की बात बोल रहा हूँ वो है ये रहा, ये चैट। इसके बेस पे जो है मैं 10,000 की बात कर रहा हूँ आपके साथ कि आई वॉन्ट रजिस्टर्ड NOS फॉर 12th बट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पीपल आस्किंग फॉर 10,000 इज डेट पेबल। तो यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि ये जो है एडमिशन लेने के लिए गए, जो ऑनलाइन जो एडमिशन करेगा उसने क्या किया, इनसे 10,000 रुपये की अमाउंट जो है इनसे मांगा है कि आप हमें 10,000 रुपये दो, फिर जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये वीडियो जो है बनाने का मकसद यही था कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। मैंने इसे पहले भी सुना था, मैंने गुजरात का था, उसने मेरे को बताया था कि कोई 30,000 रुपये मांग रहा है। तो एक बात बताओ, 30,000 रुपये मांगना किस बेस पे मांग रहे हो? लोगों को जानकारी नहीं है, तो इसलिए अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको लेना चाहिए, लेकिन एक रीज़नेबल फीस रखो ना। ये जो है इस तरह से लूट जो है मचा रखी है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। फिर मैंने इनको जवाब दिया कि आपको क्या करना है, आपके पास नॉर्मल सी बात है, आपको जानकारी नहीं है, तो प्रॉपर जानकारी के लिए आप मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। और इसको बाद जो है मैंने इन्हें क्लियर कर दिया कि नो डोंट पे मोर अमाउंट टू एनीवन। तो इसको, इनको जो है मैंने वहाँ पे पेमेंट करने से इनको तो रोक दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जो इस तरह से जो है पेमेंट कर देते हैं। तो जिस वजह से मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है ताकि आप जो है इन वीडियो को आगे शेयर करें और इनको आगे पहुँचाएं। तो ये चैट को हमने देख लिया और समझ लिया। इसके बाद बात आ जाती है, तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में लोग बैठे हुए हैं जो इस तरीके की जो है पैसे की डिमांड करते हैं। मैंने सुना, इससे पहले भी मेरे पास कमेंट में मैसेज आया था कि कोई 20,000 मांग रहा, कोई 30,000 मांग रहा है। तो देखो अब बात आ जाती है इन चीजों से बचने का क्या तरीका है और किस तरीके से इन चीजों से हमें बच के रहना चाहिए, क्या सही तरीका है, उन बातों को मैं आज की वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ। जिसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो में अंत तक जरूर रहिए ताकि जो है इन सभी बातों को आप जान के इस तरीके धोखेबाजी से आप बच सके। तो उससे पहले आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी, आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और इस वीडियो को तो इतना शेयर करो ताकि जो है हमारे भाई बहन जितने भी हमारे जो है 10th में है 12th में है वो इस तरह की धोखेबाजी से बच सके। ये शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कमेंट में जय श्री राम, भारत माता की जय जरूर लिखिए। मैंने आपको चैट दिखाया जिसमें ये पता चला कि कर्नाटक के हमारे एक सब्सक्राइबर कह लीजिए, स्टूडेंट्स कह लीजिए, जिन्होंने मेरे से जो है डिस्कस किया था कि उनसे जो है 10,000 रुपए डिमांड की गई है 12th में एडमिशन करवाने के नाम पे। तो बात आ जाती है 10,000 रुपए क्यों मांगा गया। देखो 100 बात की एक बात है, 10,000 रुपए इसलिए मांगा गया था क्योंकि जो वहां पे जो एडमिशन करने वाले हैं एक्चुअली वो जानते हैं कि जब लोगों को पता नहीं है तो उनको जो है किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा सके। तो मेरा मेन मकसद यही था कि आप लोगों के अंदर जो है इस तरह की जानकारी को बढ़ाना। देखो अगर उनको पैसे लेना ही है, नॉर्मल सी बात है, अगर वो भी काम कर रहे हैं तो आप पैसे के नाम पे 10,000 रुपए नहीं मांग सकते। पैसे के नाम पे आपको अपनी एक मिनिमम फीस रखनी चाहिए और उस मिनिमम फीस के अकॉर्डिंग जो है आपको एडमिशन करके देना चाहिए। बात आ जाती है अब वहां पे 10,000 रुपये क्यों मांगा गया, 10,000 रुपये क्यों बोल दिया गया। इससे पहले मेरी एक जगह और बात हुई थी जहाँ पे 30,000 रुपये मांग लेते हैं। एक्चुअली होता ये है कि अब वो एरिया जो है, अगर कर्नाटक की बात करें तो ये बहुत दूर हो जाता है। इसी तरीके से जो मेरी बात हुई थी, एक गुजरात के स्टूडेंट से बात हुई थी तो उनसे भी मांगा गया था, TOC का केस था जिसमें उनसे 30,000 रुपये मांगे गए थे, लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो हमारे साथ मेंबरशिप में जुड़े। अब मैंने उन सभी बातों को उनको समझाया कि यहाँ पे 30,000-40,000 देने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं होता है। अब वो ये जानते हैं कि इनके पास जानकारी नहीं है, अब इनको पता नहीं है, तो इसलिए जो है जो भी पैसा देखो वो मांग लो। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं
तो आप खुद भी जो है ऑनलाइन एडमिशन अपना कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन एडमिशन करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने किसी चीज में मिस्टेक कर दिया कि किस स्ट्रीम में जाना है, कुछ मिस्टेक अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो इस बेस पे कुछ गलती हो सकती है। अगर वो गलती हो गई है तो उसके बाद क्या होता है, फिर आपका जो पैसा जो आप एनुअल्स में पे करते हैं वो आपको रिटर्न नहीं मिलता है, ये तो कहने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता ही होगा। बात आ जाती है तो फिर इस तरह की जो दिक्कत है, अगर जानकारी नहीं है तो किसी का सपोर्ट लेना ठीक रहता है जिनकी जानकारी हो। तो अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, देखो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, यही परेशानियों को देखते हुए आप लोगों को जानकारी देने के लिए, आप लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम को देखने के लिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होगा। तो इन बातों के लिए मैंने मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया और जिसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा जो है सपोर्ट मिल रहा है, जिसके लिए आप लोगों का थैंक यू सो मच। चलिए बात समझते हैं इसमें क्या करना है। अब बात आ जाती है, देखो एक नॉर्मल वीडियो होती है जिसमें एक हमने इन्फॉर्मेशन डाल दिया, बात समझ रहे हो, हमने एक इन्फॉर्मेशन डाला है एक नॉर्मल वीडियो में, तो वो वीडियो जो बनाई जाती है वो ओवरऑल सबके लिए होता है। लेकिन बात आ जाती है केवल आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपकी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग अगर एक जो प्रॉपर जो वीडियो बना के दिया है वो आपके लिए प्रॉपर आपके सॉल्यूशन में अगर फिट नहीं बैठ पाता, फिर आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करें, फिर आपने मार्कशीट हमें सेंड कीजिए और उसके बाद जो है हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि आपके लिए जो है आपके प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि कहीं 10,000 20,000 30,000 देने की जरूरत नहीं है, आप पहले ऑनलाइन एडमिशन लो। अगर नहीं ले पाते और नहीं लेना चाहते, आपको कंफ्यूजन है, तो बिना मतलब के गलती ना करें, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, नंबर दिख रहा है इस पे बात कीजिए, आप चाहे इंडिया में कहीं भी रहते हैं आपका एडमिशन हम करवा देंगे। और देखो इसमें एक बात मैं और समझा दूं, एडमिशन होएगा और इसके बाद जो स्टडी सेंटर है, स्टडी सेंटर भी वही होगा जो आपका पोस्टल एड्रेस है, जो आधार कार्ड में एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग ही जो नजदीक वाला स्टडी सेंटर है जो आपके एरिए का है वहां का स्टडी सेंटर आपको दिया जाएगा। क्योंकि जब हम आपका एडमिशन करेंगे बकायदा आप हमारे साथ ऑनलाइन रहते हैं और उस वक्त क्या होता है आपकी जो सारी जानकारी जो फिलअप की जाती है वो आपसे पूछ के ही की जाती है। तो इस तरीके से एडमिशन लेने के लिए आपको हमारे साथ कनेक्ट होने की जरूरत है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, वो 10,000 20,000 30,000 के चक्कर में नहीं जाना है। और उन लोगों के लिए भी मैसेज देना चाहूंगा जो 10,000 20,000 30,000 रुपए मांग कर लेते हैं, देखो ये वक्त है, वक्त बदलता है, पता नहीं हराम का पैसा आप पर कब निकल जाए, आपको भी अंदाजा नहीं होगा, बात समझ रहे हो। देखो आप मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, मैं भी मेहनत करता हूँ, मैं भी चार्ज लेता हूँ, लेकिन नॉर्मल सी बात है, चार्ज इतना रखो जो आपकी मेहनत की होनी चाहिए। हराम की कमाई करोगे बर्बाद हो जाओगे, हराम का पैसा कभी टिकता भी नहीं है ना बरकत मिलेगी, जिंदगी परेशान रहेगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने पैसे तो बहुत कमा लिए, पैसे उनके बैंक बैलेंस के अकॉर्डिंग है, लेकिन उनके घर के अंदर किसी तरह की चैन और जो सुकून कहते हैं ना वो नहीं मिल पाता, जिंदगी एक जहर बन जाती है। कहते हैं कि सोने की थाली में खाने के बाद भी जो है उनको खुशी नसीब नहीं होती, चैन की नींद नहीं आ पाती, चैन की नींद के लिए उन्हें गोलियां खानी पड़ती है, कर्मों का फल तो मिल ही जाता है, समझ गए। जो सुधरने वाले होंगे वो खुद ही सुधर जाते हैं, क्योंकि विचार ही इंसान को बदल सकता है, जिसमें अगर विचार से बदलाव नहीं होगा उन्हें तो भैया उनके लिए तो फिर भगवान ही मालिक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे जुड़िए और इन धोखेबाजों से दूर रहिए। आपको जरूरत है बस मेंबरशिप ज्वाइन करने की, पहले अपने बारे में कंसल्टेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं उसके तहत आप पूरी तरह से अपनी जानकारी ले लेते हो और उसके बाद जो है फिर आपकी आगे की प्रोसेस होता है जो हम आपको बताते हैं। तो मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए आप सभी देशवासियों का शुक्रिया, और स्पेशली जो साउथ इंडिया के हैं, अब मैं चाहता तो ये भी हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ इंग्लिश की वीडियो भी बना के दे दिया करूँ ताकि जो है वो आप लोगों को समझने में जरा इजी रहे, क्योंकि हिंदी समझना आपके लिए जरा सा कुछ मुश्किल हो जाता है। चलिए मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो जो है मैं इंग्लिश में बना के दूं। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।